हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। स्मार्ट नौकरी में आपका यहाँ पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ लेटेस्ट अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। MSF की भर्ती जो निकली थी, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जो यहाँ पे भर्ती निकली थी, ऑलरेडी बहुत लोग यहाँ पे काफ़ी मतलब कि एटलीस्ट डेट भी आ चुका था कि 16 मार्च से आपका यहाँ पे परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे कोरोना वायरस का काफ़ी यहाँ पे अभी तो हंता वायरस भी आ गई, सब वायरस जो यहाँ पे चल रहे हैं काफ़ी जो तेज़ी से बढ़ा, इस वजह से आपकी परीक्षा यहाँ पे पोस्टपोन हो गया था। तो यहाँ पे मैं कुछ लेटेस्ट अपडेट्स ये आपके लिए लेके आई हूँ कि अब कब से चांसेस है शुरू होने की परीक्षा, कि कब से यहाँ पे शुरू होगा परीक्षा, ये हम लेटेस्ट यहाँ पे अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो कुछ यहाँ पे MSF भर्ती को लेकर बहुत सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, अपडेट्स की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने नॉलेज इकोनॉमिक्स के चैनल्स पर भी डाला है। तो बहुत लोग जो लोग मतलब नए होंगे या फिर जो लोग नहीं मतलब कोई और डीपली उनको देखना है तो आप नॉलेज इकोनॉमिक्स के चैनल्स पर जाके MSF की भर्ती की पूरी डिटेल्स वहाँ से भी आप ले सकते हो। कुछ लेटेस्ट अपडेट्स मैंने उस नॉलेज इकोनॉमिक्स के चैनल्स पर वहाँ पर डाला है। तो मैं आज बताने वाली हूँ कि कब से शुरू होने वाला परीक्षा। उससे पहले जिन लोगों ने हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये स्मार्ट नौकरी चैनल आपके लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आता है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो चलो हम यहाँ पे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन पहले देखते हैं यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है। तो पहले तो हम इस वैकेंसी की थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज पे जाते हैं कि क्या क्या प्रीवियस नॉलेज है। 16 मार्च से यहाँ पे आपका यहाँ पे परीक्षा होने वाला था जिसकी वजह से कैंसिल हुआ है कोरोना वायरस का। अब यहाँ पे अपडेट्स ये आया है कि 15 अप्रैल को सब कुछ यहाँ पे जो देश बंद हुआ है वापस 15 अप्रैल को यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता सकती हूँ कि जो भी अगर सपोज़ यहाँ पे हर चीज़ सही रहा, जो भी ये वायरस आए हैं हंता वायरस, कोरोना वायरस जो काफ़ी सारे क्रोनो करके काफ़ी सारे जो वायरस फैले हैं हंता वायरस काफ़ी, ये सब बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये वायरस का अगर इम्पैक्ट 15 अप्रैल तक यहाँ पे कम हो जाएगा तो उस तरीके से आपके एग्ज़ाम की डेट वापस से 20 अप्रैल तक आ जाएगा। ठीक है, मतलब 15 अप्रैल को अगर सब कुछ अच्छा होने के बाद हमारा देश वापस से जिस तरीके से पहले चल रहा था, सब कुछ चालू था, वैसे चालू हो जाएगा तो 20 अप्रैल तक आपको यहाँ पे डेट आ जाएगा कि कब तक आपकी परीक्षा होने के चांसेस हैं। 20 अप्रैल से पहले मैं यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं बोल सकती क्योंकि ऑफिशियल साइट वगैरह पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया, बट ये इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आ चुकी है ऑलरेडी साइट्स वगैरह पे कि यहाँ पे 20 अप्रैल तक आपकी यहाँ पे क्या कोई भी डिटेल्स यहाँ पे अगर आएगा तो 20 अप्रैल तक आ जाएगा आपको। तो आपको कुछ भी यहाँ पे अगर इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो 20 अप्रैल से पहले नहीं मिलेगा, 20 अप्रैल के बाद ही आपको डिटेल्स मिलेगा कि आपकी परीक्षा कब तक होने के चांसेस है। तो अगर सपोज़ ये वायरस वगैरह कम नहीं हुआ 15 अप्रैल तक तो वापस मैं आपको बोलूँगी यहाँ पे आपका मई या जून में ही एग्ज़ाम अब होने के चांसेस आएंगे, उससे पहले तो यहाँ पे नहीं होगा। अगर 15 अप्रैल तक ये वायरस का इम्पैक्ट कम नहीं होगा तो आपका मई या जून में ही डायरेक्ट एग्ज़ाम होगा, उससे पहले होने के चांसेस यहाँ पे नहीं है। तो मेरा सारे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, 7000 की बहुत ज़्यादा टोटल वैकेंसी है यहाँ पे, तो सारे स्टूडेंट्स से मेरा यही मानना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अपने फिजिकल टेस्ट को अच्छे तरीके से थोड़ा सा घर में ही बैठ के जो भी आपको बेस्ट टू बेस्ट लग सके उस तरीके से आप घर में बैठ के भी किस तरीके से प्रैक्टिस कर सको। स्पेशली आप डॉक्यूमेंट्स अपडेट्स अपना प्रॉपर देख के रखो कि किस तरीके से क्या क्या चाहिए, तो थोड़ी बहुत तैयारी एटलीस्ट करते ही रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।